इसी YouTube ने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। और YouTube नहीं करेंगे साला, सबको ही कहता है कि इतना पैसा है YouTube पर। क्या पैसा है भाई, चार सालों से काम करो, चार सालों से क्या उखाड़ लिया मैंने, और नहीं करेंगे YouTube। ये क्या है YouTube, इसको भी दिखाते हैं, इसको तोड़ देंगे साला YouTube के, ऐसी की तैसी। चल YouTube करेंगे, और YouTube ही नहीं करेंगे, मत भगा दो इसे साला, YouTube दिखाता है, YouTube करेंगे नहीं, YouTube भगा दें यार, झड़ भगा, बेकार हो गया मेरा चार साल भाई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलेंगे जिससे आपका YouTube में काम करने का मन करेगा या फिर आपको छोड़ने का मन करेगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, जो कि मैंने चार सालों से जो हासिल किया है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने चार सालों से क्या उखाड़ लिया YouTube का, मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। एक्चुअली में बात क्या है दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है, मेरा इसी चैनल की अगर बात करें तो मेरा चैनल का जो कि चार साल पुराना हो चुका है मेरा ये चैनल, लेकिन चार साल कंप्लीट होने के बाद मेरा वीडियो पर व्यूज़ देखेंगे तो किसी वीडियो पर 100-150 अभी भी व्यूज़ आता है। एक दिन में 50-60 व्यूज़ आता है भाई, पहले अपलोड करने के बाद एक दिन में 50-60 व्यूज आते हैं, वो भी 41,000 सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर भी है 41,000। तो मेरा इस चैनल पर अगर बात करो तो मेरा ये चैनल जो कि डेथ हो चुका है, मतलब जो कि खराब हो चुका है, एक्चुअली व्यूज़ नहीं आता है, फ्रीज हो चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, हमें इस चैनल पर जो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और मेरा और कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं और एक हम और एक चैनल में काम करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो पहले दिखा दिया कि नहीं YouTube नहीं करेंगे, ट्राईपॉड तोड़ दिया। एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो यहाँ पर देखो, मैंने जो ये ट्राईपॉड तोड़ा था ना, मेरा सबसे पुराना ट्राईपॉड है, और ये जो कि ख़राब हो चुका था, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ट्राईपॉड जो कि मेरा ख़राब हो चुका था, और इसीलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को ये क्लिक बेट के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि YouTube में चार सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को YouTube ने क्या दिया है, और मैं YouTube से क्या हासिल किया हूँ, और YouTube में काम करना क्या हमारे लिए कितना हद तक सही है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एकदम पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ, एकदम मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बताना चाहूँगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और एक चैनल का लिंक है, जो कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, क्योंकि ये चैनल फ्रीज हो चुका है, इस चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं हमें और एक चैनल बनाना चाहिए, इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब करियर। और वो चैनल बनाने का पीछे कुछ रीज़न भी है, कुछ कारण है, एक्चुअली कारण ये है कि मैंने उस चैनल पर मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसमें जो कि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ देखिए टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा, और इसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट अपलोड नहीं होने वाला है। तो बस मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, आप लोग जो इतना दूसरा हमें प्यार दिखाया है, सपोर्ट किया है, इस सपोर्ट को बनाए हुए आप क्या करें, मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, और उस चैनल पर जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल पर जो कि डेली आपको कंटेंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड। बस इतना ही है, अगर आप हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जो कि आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्यार दिखाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं, उस चैनल का बनाने का मकसद है यूट्यूब करियर। और मैंने बैनर पर लगा के रखे हैं, अगर कुछ बनाना है तो यूट्यूब करियर बनाओ। तो आप क्या करें, अगर आप भी आप YouTube करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस चैनल से जो कि चार सालों से जो एक्सपीरियंस लिए है, क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे जो कि एक चैनल ग्रो होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो उस चैनल को प्लीज़ जब भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार और सपोर्ट के खातिर। अब मैं आप लोग बताना चाहूँगा इस चैनल को मैं क्या करने वाला हूँ। इस चैनल की अगर बात करें भाई, आप लोगों को पता होगा इस चैनल पर जो कि 41,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उस हिसाब से कि मेरा इस चैनल पर जो व्यूज़ नहीं आता है, 100-150-200 में अटक जाता है। एक बात बताइए, 41,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन आपका दिन में अगर 50-60 व्यूज़ आएंगे वीडियो अपलोड करने के बाद, तो आपका मन क्या होगा। और ऐसे में तो आपको पता होगा मेरा एक बेटा हुआ है, संसार भी चलाना पड़ रहा है, संसार में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो मेरा कुछ दिनों से एक अर्निंग बहुत ज़्यादा मतलब डाउन है, ना के बराबर नहीं है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि YouTube छोड़ने के बाद YouTube हम छोड़ देंगे, YouTube नहीं करेंगे, एक्चुअली में बात वो नहीं है भाई, मैंने बहुत कुछ सोचा। मैंने पहले जो कि दूसरा काम कर रहा था, एक मतलब कंपनी में गए थे, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ एक दिन। तो मैंने फिर कुछ दिन पहले एक दुकान में काम कर रहा था, 10,000 महीना का दे रहा था, लेकिन मैं वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें YouTube से कुछ करना है, अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने बहुत कुछ सोचा, मैं YouTube छोड़ देंगे, YouTube छोड़ने के बाद हमें फिर से वही घिसा पीटा ज़िंदगी जीना पड़ेगा, 8-10,000 वाला या फिर 5-6,000 वाला, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा बाहर में। क्योंकि आजकल की अगर बात करें तो काम की अगर बात करें तो बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि नहीं YouTube छोड़ देंगे, ठीक है मैंने YouTube छोड़ दिया, अब करेंगे क्या, फिर तो वही घिसा पीटा वाला ज़िंदगी। तो हमें करना क्या है, हम नहीं
और भी 2-3 साल और भी 2-4-5 साल जितना भी लगे लगने दीजिए, लेकिन हम YouTube से सक्सेस बनकर दिखाएंगे। तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए उस चैनल पर, क्योंकि हमें एक मुकाम तक पहुँचना है, और सिर्फ हमें नहीं पहुँचना है, आप लोगों को साथ में लेकर हमें पहुँचना है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और इस चैनल की अगर बात करें तो इस चैनल से मैंने लाखों से भी ज़्यादा कमा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि YouTube से पैसा नहीं मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा चैनल जो कि फ्री हो चुका है, इसके पीछे जिम्मेवार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपना चैनल पर हर तरह का कैटेगरी अपलोड किया है। पहले अर्निंग रिलेटेड किया, उसके बाद कोई टिप्स एंड ट्रिक देने लगे, गेमिंग करने लगे, अब जो कि यूट्यूब टिप्स देने लगे। तो आप लोग भी बताइए, मेरा चैनल पर जितने सारे सब्सक्राइबर आएंगे, उस सब्सक्राइबर किस तरह का होगा? 5 तरह का होगा ना। तो इससे जो कि क्या होता है, मैं एक ही टॉपिक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया YouTube टिप्स के ऊपर, तो मेरा वीडियो पर जो कि व्यूज नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, YouTube टिप्स के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाते हैं, और इस चैनल पर जो कि अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे, या फिर इस चैनल पर जो कि गेम प्ले भी अपलोड हो सकता है, अगर आपने इसमें सपोर्ट करते हैं तो। आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हमें इस चैनल पर करना क्या है, क्या हमें गेम प्ले अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? प्लीज़ आप लोग मेरा इस वीडियो में बता दीजिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, उस चैनल को, मेरा जो नया चैनल है, उस चैनल पर सपोर्ट दिखाए, प्यार दिखाए, क्योंकि उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को सपोर्ट दिखाए प्लीज़। तो YouTube कोई छोड़ने का नाम मत लीजिए, YouTube बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आपको थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपका जो है कि आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप YouTube मत छोड़ो, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी लग गया ना, तो YouTube मत छोड़ो। प्लीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करी कि नहीं, YouTube नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत आए, कितना भी दिक्कत आए, आप YouTube पर काम करिए। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।